राजस्थान का चुनावी रण अभी एक साल दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी की मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का मंथन। अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अपने आंदोलन और धरना प्रदर्शनों के लिए मशहूर उपेन यादव भी एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की आवाज बन चुके हैं। युवाओं के मुद्दे को उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इस बार मौका था उपेन के जन्मदिन का और बधाई देने पहुंची बीजेपी की मशहूर सांसद यानी कि दिया कुमारी। दरअसल 14 जुलाई को उपेन ने अपने जन्मदिन के मौके पर राजस्थान पुलिस के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में धर्मेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा सहित कई दिग्गज पहुंचे। इस दौरान वहां भाषण देते हुए बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने जो कहा उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सुनिए। लगातार राजस्थान में ये बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की आपके समर्थन से बहुत जल्दी सरकार बनेगी और फिर किसान के काम हमारी सरकार करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है और आपको भी भरोसा है। बिना किसी भेदभाव के युवाओं के लिए काम करें ताकि हमारे युवा आगे बढ़े, इनको हर प्रकार से हर सुविधा मिले, हर प्रकार से चाहे नौकरी की बात करें हम लोग, चाहे हम बात करें इनको कैसे हम लोग पॉलिटिक्स में ला सकते हैं। देखिए कितना उत्साह है, कितना उत्साह है जनता में, कितना उत्साह है युवाओं में। तो मैं तो ये कहूँगी 2023 दूर नहीं है, आपको इनको दिखाना है। दिया कुमारी ने छोटा ही सही लेकिन जोरदार भाषण दिया। राठौड़ को जवाब देते हुए अपने ही अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर ऐसा हमला बोला जो खूब सुर्खियों में है। कि राठौड़ साहब ने कुछ बातें यहाँ बोली तो मुझे भी बोलना आवश्यक है, इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने कहा कि सब युवा पार्टी है कांग्रेस, बिल्कुल जो इनके बड़े नेता हैं वो भी 50 साल के हो गए और वो अपने आप को हमेशा युवा ही कहते हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि इस दौरान सांसद महोदय ने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने का मौका नहीं छोड़ा। उपेन यादव की रैली में दिया के इस तरह वोट मांगने के क्या कुछ मायने हैं? बीजेपी से उपेन की नजदीकियों के क्या मायने हैं? आए दिन उपेन यादव का राजनेताओं से मिलना क्या कुछ दिखाता है? बहरहाल अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उपेन यादव राजनीति में तो नहीं उतरेंगे, कहीं उपेन बीजेपी में तो शामिल नहीं होंगे, या कांग्रेस का रुख करेंगे, या बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे, या अपना कोई अलग मोर्चा बनाएंगे। ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, मगर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, ये सवाल तो बनता रहेगा। पिछले महीने 16 जून को जब उपेन यादव युवाओं की मांगों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे तो राजस्थान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने उपेन को कुछ घंटों में छोड़ दिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उपेन यादव राजस्थान सरकार पर जमकर बरसे। रिहा होने के बाद आप बीती बताते हुए उपेन ने कहा, गहलोत की तानाशाह पुलिस ने थाने में मेरे साथ मारपीट की थी। इस दौरान गुस्साए उपेन ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जो कह दिया उसने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को गर्म कर दिया। अब सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, उसको खत्म करने की साजिशें रची जा रही है। वही अन्य किसी केस में, अन्य किसी षड्यंत्र और साजिश में मुझे जेल में डालने की साजिशें रची जा रही है। जो इनपुट मिल रहा है जिसके आधार पर कांग्रेस के बड़े नेता मुझे खत्म करना चाहते हैं और मेरे करियर को तबाह करना चाहते हैं, इसलिए अब मुझे और मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को भी समाप्त करना चाहते हैं और मुझे खुद को भी, इसलिए मुझे भी खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अभी भी राज्य सरकार के पास समय है, युवाओं की मांगों को दबाने के बजाय साथ दीजिए, उनकी मांगों को पूरा करिए, वो वादा निभाइए, वापस युवा आपसे जुड़ेंगे, अन्यथा युवाओं में आक्रोश है और ये आक्रोश 2023 में पूरी कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाला है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आएंगी। दिलचस्प बात तो ये भी है कि उपेन यादव की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां नई नहीं है। हमेशा प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर हमेशा हमलावर रहने वाले उपेन बीजेपी पर थोड़ा नरम नजर आते हैं।
विरोध करने पर गिरफ्तारी, पुलिस का उपेन के साथ व्यवहार और पिछले दिनों चली गहलोत सरकार और उपेन के बीच उठापटक, इन घटनाक्रमों ने उपेन की कांग्रेस से दूरियां बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि क्या 2023 के चुनावी रण से पहले उपेन यादव अपनी चुनावी पारी शुरू करते हैं या यूं ही युवाओं के लिए लड़ते रहते हैं।